हेलो एवरीवन, कार्डिगन के एक नए पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कार्डिगन मैंने बनाना शुरू किया है और उसके मैंने पहले तीन पार्ट जो हैं अपलोड कर दिए हैं, आज फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आज हम गला बनाना सीखेंगे, राउंड गला बनाएंगे। और राउंड गला बनाने के लिए ये देखिए, मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों साइड शोल्डर डिक्रीजिंग कर ली है। और जो शोल्डर डिक्रीजिंग की है मैंने, वो की है ये देखिए 2.5 इंच की है मैंने, 2.5 इंच की है मैंने यहाँ से यहाँ तक। तो शोल्डर अगर हम इस तरीके से मापते हैं, एक साइड साइड में कर देते हैं, अगर हम इस तरीके से मापते हैं तो 4 इंच हो जाती है यहाँ तक। और अगर हम इस तरीके से मापते हैं सीधा डिक्रीजिंग के बाद, 4, 3, 2, एक फंदा मैंने कम नहीं किया। अगर मैं एक फंदा कम करती तो मेरा सारा जो यहाँ पर पैटर्न आ रहा है ना, वो होच पोच हो रहा था। और एक फंदा कम हो जाता तो साइड में मेरे 3-4 फंदे ऐसे सिंपल मुझे बनाने पड़ते हर बार, तो वो अलग से ना एक पट्टी सी बन जाती जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो एक फंदे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक फंदा कम हो जाए एक फंदा ज़्यादा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पर 4, 3, 2 की डिक्रीजिंग की है, तो उसमें मैंने एक फंदा नहीं कम किया अपने पैटर्न को सेट करने के लिए। तो 2.5 इंच मैंने बना लिया है। 2.5 इंच बनाने के बाद अब हमने ना गोल गला निकालना है। इसमें यही साइड उठा लेते हैं, पहले जो हाथ में है दूसरी को साइड में कर देते हैं, उसको बाद में बनाएंगे। अब पहले हम यहाँ से 10 फंदे कम करेंगे। 10 फंदे मैं इसलिए कम कर रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बार बार बताया, मेरी वूल बहुत ज़्यादा बारीक है और इसके जो शोल्डर के मैं फंदे रखूँगी ना, मोस्टली या 22 या 24 ही रखते हैं, तो इसमें मैं 4 फंदे ज़्यादा रखूँगी वूल के कारण। तो उसके लिए मैं 4 फंदे शोल्डर में ज़्यादा रखूँगी। और यहाँ पर अगर आपकी वूल मोटी है तो आपने इसके मुकाबले एक एक फंदा कम करना है। मैं 10 फंदे स्टार्टिंग में कम करूँगी। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, और ये लास्ट का फंदा होगा हमारा 10वां। ऐसे करके ये देखिए मैंने ना 10 फंदे इकट्ठे ही बंद कर दिए यहाँ से, ये ऐसे। अब आगे जो मेरा डिजाइन चल रहा है ना, मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी। ये मेरा फंदा उल्टा ही आ रहा है, इसको उल्टा ही बुन लेती हूँ धागा पीछे करके। अब मैं चैन बनाना बंद कर दूँगी, चैन नहीं बनाएंगे अब। अब हम डायरेक्ट यहाँ से जो फंदे जैसे जा रहे हैं, उल्टे आ रहे हैं मेरे फंदे, तो उनका मैं उल्टा ही बनाऊँगी। पहले मैं करूँगी सीधी तरफ से रो कंप्लीट। ये मेरा चैन का है, 2, 1 फंदा और आएगा मेरा, मैं काउंट कर लेती हूँ ताकि मेरा 3, 2 ये सीधे आ रहे हैं। तो ये 2 फंदे आ गए मेरे सीधे। अब देखिए ऐसे ना हमने आगे शुरू कर लेना है अपना पैटर्न। तो आपने क्या करना है, पहले सीधी रो कंप्लीट कर लेनी है, उसके बाद उल्टी रो कंप्लीट कर लेनी है। वापस आते हैं हम इसी साइड हम आगे से जो फंदे कम करने हैं इसी साइड से ही बंद करने शुरू करेंगे। तो मैं इतना कर लेती हूँ,
तो दोनों साइड से ना मैंने रो को कंप्लीट कर लिया है। ये मेरे फंदे उल्टे आ रहे हैं, लास्ट में आ गई हूँ मैं उल्टी साइड के। और ये देखिए मेरा लास्ट का फंदा, इसको मैंने बुनना नहीं है, इसको मैंने ऐसे ही उतार लेना है, बिना बुने उतार स्लिप कर लेना है। तो इसी से हम यहाँ पर डिक्रीजिंग शुरू करेंगे। अब ये फंदा उतारा, एक ये उतारा, दो फंदे लिए, पिछले फंदे को इसके ऊपर से पहले गिराएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, सात फंदे हमने कम करने हैं। पहले हमने 10 फंदे किए हैं ना, इस बार हम 7 फंदे कम करेंगे। ये देखिए ऐसा बनता है। अगर हम बिना बुने फंदा रख लेते हैं ना एक फंदा, तो हमारी जो ये वाली ऊपर वाली चैन है बहुत स्मूथ बनती है, सीढ़ीदार नहीं बनती। तो इससे बाद में जब फंदे उठाएंगे ना हमें, तो कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। अदरवाइज हमें ना सीढ़ीदार जो डिक्रीजिंग हो जाती है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो पहले मैंने 10 फंदे कम किए, इस बार मैंने 7 किए। तो आगे जो मेरा पैटर्न चल रहा है उसको कंटिन्यू करूँगी मैं। पहले मेरे फंदे आ रहे हैं उल्टे, इनको ऐसे ही बनाते हुए वापस उसी तरीके से आना है। हमने एक फंदा बिना बुने रख लेना है और उससे हम डिक्रीजिंग शुरू कर देंगे। तो वापस आए हैं डिक्रीजिंग वाली रो पर। दोनों साइड से मैंने ना रो कंप्लीट कर ली है। ये देखिए ये फंदा मैंने बिना बुने रखा है, इसमें मेरे धागा नहीं है, धागा दूसरे फंदे में है। तो अब हम पहले मैं धागा सेट कर लेती हूँ, धागा हमारा अगली तरफ आ रहा है, पीछे करेंगे ऐसे करके। तो पिछले फंदे को इस फंदे के ऊपर से गिराएंगे और फंदा गिर गया, तो इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। एक हो गया हमारा, पांच फंदे हमने कम करने हैं, दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे कम हो गए। ये देखिए फिर से चैन को देखिए आप, चैन बहुत स्मूथ बन रही है। तो इस तरीके से ना हमने फंदे कम कर दिए। ये फंदा अब मेरा यहाँ पर लूप नहीं बनेगा, इसको मैं ऐसे ही बुन लूँगी। तो आगे जो फंदे हैं उनको उल्टे बनाएंगे और यहाँ पर अब मेरा फ्लावर बनने जा रहा है। जो नीचे से लूप निकाल के लेके आना है वो वाला फ्लावर बनेगा यहाँ पर, ऐसे नीचे से लूप निकाल के लेके आना है और लूप को दूसरे फंदे के साथ बुन लेना है। जैसे मैंने ये आपको पहले बताया है कि कैसे बनता है ये पैटर्न, तो वो पैटर्न मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। तो वापस आते हैं इसी रो पर, ये सीधी रो कंप्लीट कर लेने के बाद, एक उल्टी रो कंप्लीट कर लेने के बाद फोर्थ टाइम हम डिक्रीजिंग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला फंदा मेरा बिना बुने है और इस फंदे को उतारा, बिना बुना फंदा पहले इस फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे, कर दिया। तो नेक्स्ट अब हम चार फंदे कम करेंगे, एक हो गया हमारा, एक ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा, चार फंदे कम कर दिए हमने। अब आगे हमारा पैटर्न कंटिन्यू करेंगे, जो भी होगा जैसे फंदे आ रहे हैं उसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। तो चलिए मैं कर लेती हूँ इतना, दो सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ। वापस आते हैं इसी तरफ कि डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे। फिर इस बार हम तीन फंदों की डिक्रीजिंग करेंगे। पहला फंदा बिना बुने है, ये फंदा लिया और ये लिया, बिना बुने फंदा जो है इसके ऊपर से पास कर देंगे ऐसे, एक फंदा हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा, तीन फंदे कम हो गए। इस तरीके से हमने सबसे पहले 10 फंदे किए, फिर 7 फंदे किए, फिर 5 किए, 4 किए, 3 किए। तो अब हम नेक्स्ट जो है हमारा पैटर्न वही बनाएंगे। तो इस तरीके से पैटर्न बनाते हुए मैं दो रो सिलाइयाँ कंप्लीट कर लूँगी। फिर से हम दो फंदों की डिक्रीजिंग करेंगे, वापस आएंगे ना, तो दो फंदों की डिक्रीजिंग करेंगे। वापस आई हूँ मैं राइट साइड में दो फंदों की डिक्रीजिंग करने के लिए। पहला फंदा बिना बुने हैं, इसको लेंगे और इस फंदे को लेंगे, बिना बुने हुए फंदा पहले इसके ऊपर से पास कर लेंगे और एक फंदा और हम यहाँ से लेंगे।
तो उसको कम कर देंगे। सिर्फ हमने दो फंदे ही कम करने हैं इस बार। तो यहाँ पर देखिए, पहले हमने 10 फंदे किए, फिर 7 किए, 5 किए, 4 किए, 3 किए, अब 2 किए हैं। इस तरीके से हम फंदे कम करते आ रहे हैं ताकि गले की शेप जो है बनी रहे। तो यहाँ पर पहला फंदा सीधा है, आगे हमारे उल्टे। यहाँ पर अब मेरा ना पैटर्न बनने जा रहा है, जो हमारा फ्लावर बनता है ना, या नीचे से लूप निकाल के वो वाला, तो उसी पर मैं आ गई हूँ। क्योंकि 4 सिलाइयाँ पहले मैंने सिंपल निकाल ली हैं। अब देखिए, ऐसे ना पैटर्न बनाते हुए पहले राइट साइड से रो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम रॉन्ग साइड से रो कंप्लीट करेंगे, तो वापस आएंगे। अब यहाँ पर हम एक फंदे की डिक्रीजिंग करेंगे आगे, क्योंकि हमने ऐसे ही जाना है, एक सीक्वेंस बनाते हुए जाना है इस तरह, नीचे से ऊपर ऊपर कम करते हुए। तो वो करते हुए हम लास्ट में आ गए हैं, तो वापस आती हूँ मैं इतना कर लेने के बाद। इस बार करना है हमने एक फंदा कम, बस दो फंदे लेंगे, एक फंदा बिना बुने हैं और एक बुना हुआ, एक फंदा ऊपर से पास कर दिया, जस्ट हमने इतना ही करना है। अब आगे मेरा है 1 2 4, एक फंदा उल्टा आएगा। अब देखिए, मैं पहले ना फंदे गिन लेती हूँ। ये 4 फंदे तो मेरे इस नीडल पर हो गए, 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, 26 3 फंदे और हैं मेरे पास। मैं 26 फंदे रखूँगी शोल्डर के लिए, क्योंकि मेरी वूल बारीक है, तो 26 फंदे रखूँगी। 3 फंदे मैंने अभी और बंद करने हैं, एक एक करके ही करूँगी। उसके बाद मैं जैसे, अब देखिए आपने इसी तरीके से एक तक मैंने करके दिखा दिया आपको, 3 फंदे अभी मैंने और करने हैं। तो 3 फंदे करके इसके बाद मैं अपनी शोल्डर लेंथ कंप्लीट करूँगी, जो इस साइड से होगी, लास्ट जो हमारा बैक पैनल बना हुआ है ना, तो उसी के हिसाब से हमने इसको बनाना है। तो 7 इंच का शोल्डर होता है मेरा, तो 7 इंच इतना लंबा मैं बना लूँगी। उसी हिसाब से हमारा इस साइड भी जो मेरे फंदे हैं ना, वो वाले 3 फंदे कम करके बाकी फंदों को मैं सीधा बुनते जाऊँगी जितने मेरे फंदे हैं। तो इतना मैं कर लेती हूँ। शोल्डर लेंथ कंप्लीट होने के बाद आते हैं वापस, और उसके बाद हम दूसरे पैनल की डिक्रीजिंग शुरू करेंगे। तो मेरा एक साइड का जो गला है वो बन के कम्प्लीट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो कितनी प्रॉपर शेप आई है, बिल्कुल राउंड में आया है। और यहाँ पर मैंने जो टोटली फंदे बंद किए हैं ना, वो आपको मैंने डिटेल में बताया है। पहले 10 किए, फिर मैंने 7 किए, 5 किए, 4, 3, उसके बाद 3 बार मैंने एक एक फंदा कम किया। अब यहाँ पर मेरे पास 26 फंदे हैं, 26 फंदों को मैंने इतना बॉर्डर बनाया है। ये देखिए, यहाँ पर मेरी डिक्रीजिंग कंप्लीट होती है, राउंड आ रहा है, और इतना सब पार्ट मैंने 1.5 इंच के करीब जो है वो मैंने 26 फंदों के साथ बनाए। एक साइड की हमारी हो गई, एक साइड की तो हमारी होती है देखिए, राइट साइड जो फ्रंट साइड होता है ना हमारा, राइट साइड होती है उसकी, उस साइड से होती है हमारी डिक्रीजिंग। अब हमने दूसरा पैनल उठाना है और दूसरे पैनल की डिक्रीजिंग शुरू करनी है। अब देखिए, वो भी मैंने यहाँ तक आपको दिखाया है कि जैसे मैंने शोल्डर डिक्रीजिंग कर रखी है, अब हमने इसकी डिक्रीजिंग शुरू करनी है। इसकी डिक्रीजिंग हमने उल्टी साइड से करनी है, रॉन्ग साइड से, राइट साइड से नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारा लास्ट में एक फंदा बच जाएगा। तो एक यही फ़र्क होता है, थोड़ा हाथ का फ़र्क हो जाता है उल्टे सीधे फंदों का, और पैनल का फ़र्क हो जाता है। एक साइड की उल्टी साइड से डिक्रीजिंग होती है, एक साइड की सीधी साइड से होती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने पहले 10 फंदे कम करने, सिर्फ मैं आपको 10 फंदे ही कम करके दिखाऊंगी। जो प्रोसेस हमने दूसरे पैनल में किया है ना, वो वाला हम इस पैनल में अप्लाई करेंगे सेम पर। ये हमारा लेफ्ट पैनल है, वो वाला राइट पैनल है। राइट पैनल को मैंने पहले बनाया, लेफ्ट को, लेफ्ट जो होता है वो बैक साइड से ही बनता है। तो ये देखिए, पहला फंदा तो हम ऐसे ही ले लेंगे, पहले 10 फंदे बंद करेंगे, 1 2 3 4 5 6
सात, आठ, नौ और ये लास्ट में आ गया हमारा दसवां फंदा। अब देखिए इसका जो गला है हम कॉट कॉलर जो होता है ना वो वाला बनाएंगे, इसीलिए मैंने बटन पट्टी के फंदे कम किए हैं। अदरवाइज़ जो अगर हम वैसे नॉर्मली राउंड गला मैं बनाती हूँ ना, वो भी मैंने काफ़ी बना रखे हैं, अपलोड किए हुए हैं, उनमें मैं ये बटन पट्टी के फंदे कम नहीं करती, सॉरी बंद नहीं करती, उसमें मैं ऐसे ही रख लेती हूँ, इनको उठा लेती हूँ बाद में, इनको इंक्लूड कर लेती हूँ उन फंदों में। और देखिए एक बात मैं और बता दूँ, यहाँ पर ना मैंने इस बटन पट्टी में थोड़ा सा ये है कि हमारा जो बटन पट्टी बनती है इसमें थोड़ा सा झोल आ जाता है, जो ये वाला पैटर्न मैंने अप्लाई किया है इसी में आता है, और किसी में मैंने नहीं देखा, काफ़ी सारे मैंने तरीके से बनाए हुए हैं। और इसमें मैंने ना 5 बटन ही लगाए हैं, ये देखिए यहाँ से शुरू किया 1 2 3 4 5 और पाँचवा ये देखिए मैंने यहाँ पर लास्ट में बनाया है बिल्कुल, क्योंकि ऊपर कॉलर में नहीं आएगा बटन, जो हम गोल गला बनाएंगे उसमें तो बना ही नहीं सकते हम, क्योंकि वो फंदे ही हमने यहाँ से उठाने शुरू करने हैं, यहाँ से कम मैं 6-7 फंदे छोड़ दूँगी तो उसके बाद फंदे उठाना शुरू करूँगी, तो इसलिए मैंने बटन होल जो नीचे बना लिया बिल्कुल लास्ट में। तो एक तो इसमें ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया ना 10 फंदे हमने बंद कर लिए। अब बैक साइड से बनाएंगे और राइट साइड से हमारा इसमें पैटर्न जो है बिल्कुल भी हौच पौच नहीं होगा, क्योंकि हमने शोल्डर साइड से ही शुरू करना है। जब हम बटन पट्टी की साइड से फंदे कम करते आते हैं ना, उसमें हमें काफ़ी सोच समझ के ना पैटर्न शुरू करना पड़ता है, हमारे कितने फंदे बढ़ रहे हैं कितने कम हो गए, उसमें कन्फ्यूजन थोड़ा ज़्यादा होती है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, इसमें तो हमने डायरेक्ट शोल्डर साइड से पैटर्न बनाना शुरू करना है और लेफ्ट जो साइड है हमारी रॉन्ग साइड उसमें हमने फंदे डिक्रीज करना शुरू करता है। सेम प्रोसेस है, सेम लेंथ से बनाएंगे, सेम डिक्रीजिंग करेंगे। तो चलिए मैं इतना कंप्लीट कर लेती हूँ और बाद में आपको दोनों शोल्डर अटैच करके दिखाती हूँ और हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो अपना जो दोनों साइड का गला है वो बन के रेडी हो चुका है इक्वल लेंथ के साथ, सेम हमने प्रोसेस रिपीट किया है, जो राइट साइड में किया है वही लेफ्ट साइड में किया, और देखिए शेप भी बहुत प्यारी आई है। अब जब बन गया है तो इसको हम ना बैक पैनल के साथ अटैच करेंगे। बैक पैनल के साथ अटैच करने के लिए ना हमने इनको सिलाई के साथ ही करना है, सुई के साथ नहीं मैं करूँगी इसको। तो पहले हम बैक पैनल को ले लेते हैं। अब ये रहा हमारा बैक पैनल, अब हमने ऐसे रखना है, बैक पैनल रख लिया पीछे, अभी मैंने स्प्रेड नहीं किया क्योंकि फंदे ज़्यादा हैं मेरे नीडल पर, तो मैंने स्प्रेड नहीं किया। तो इस तरीके से करना है हमने, ये देखिए ये शोल्डर की साइड है ना, ये इस साइड आ जाएगा और ये वाला गला जो है वो इस साइड आ जाएगा, इस तरीके से आएगा हमारा। इस तरीके से हमने जो सीधी साइड है ना तीनों पैनल की, हमने अंदर की तरफ रखना है। ये देखिए बिल्कुल इक्वली लेंथ है दोनों साइड में, और इस तरीके से रख के पहले हम ये वाली साइड उठा लेंगे जिसका ना मुंह दोनों नीडल्स का एक ही साइड डायरेक्शन में है ना, पहले वही उठा लेते हैं। तो धागे भी काफ़ी हो गए हैं हमारे, उलझे पड़े हैं, एक साइड को हम साइड में ही रख लेते हैं। तो पहले इस तरीके से ना हमने इन दोनों पैनल को अटैच करना है, क्योंकि इन दोनों का मुंह एक साइड है। एक बात मैं और बता दूं, जब ये दोनों साइड इस तरीके से ना, जो मेरे 26 फंदे हैं, 26 फंदे जब मैं अटैच कर लूँगी एक दोनों को एक दूसरे के साथ जॉइंट कर लूँगी, तो अब देखिए ये तो ऑफ साइड है ना, ओपन साइड तो है नहीं, ऑफ साइड है। और जब हम इस साइड को अटैच करेंगे सेकंड पैनल को, तो वो हमारा नीडल का ओपन होना चाहिए ना। तो अब बाद में हमने करना क्या है, जब हमारे 26 स्टिच जॉइंट हो जाएंगे तो हमने नीडल एक एक्स्ट्रा नीडल लेनी है जैसे ये है, और फंदों को इस नीडल पर ट्रांसफ़र कर लेना है, इस साइड से करना शुरू करना है, इस साइड आ जाना है हमने, ताकि हमारा जो नीडल का ओपन साइड है ना, ओपन माउथ है उसका, वो इस साइड आ जाए और बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े दूसरा पैनल अटैच करने में। तो पहले देखिए इस तरीके से हमने ना इन पैनल्स को उठा लेना है, जैसे मैंने पॉकेट जॉइंट की थी ना उसी तरीके से ही हम करने वाले हैं, तरीका सेम ही रहता है।
दोनों नीडल में से एक एक फंदा लेंगे। पहले हम पहला फंदा लेने में थोड़ा सा होता है क्योंकि ये धागे ओपन होते हैं ना तो लूज होते हैं, ये फंदे निकल जाते हैं इजीली। ये देखिए इन दोनों फंदों में से एक फंदा निकाला और दोनों को नीचे ड्रॉप कर दिया। अब हम दो फंदे फिर से लेंगे, दोनों नीडल में से एक एक फंदा लेंगे और दोनों को ऐसे इकट्ठा इसमें से निकाला। तो अब हमने एक नीडल की हेल्प से ना पिछला फंदा जो है अगले फंदे के ऊपर से पास कर देना है। साथ ही साथ में हमने बाइंडिंग भी करते जाना है। ऐसे फंदे हमने खुले नहीं रखने सारे, तो सुई को हमने अगर कई बार कन्फ्यूजन होती है कि थ्री नीडल बाइंड ऑफ क्या होता है, तो इसी को थ्री नीडल बाइंड ऑफ कहते हैं क्योंकि तीन सिलाइयाँ लगती हैं इसमें। तो ऐसे देखिए दोनों सिलाइयों से हमने एक एक फंदा लेना है और बाद में जब दो फंदे हो जाएंगे हमारी नीडल पर तो हमने पिछला फंदा जो है पहले फंदे के ऊपर से पास कर देना है इस तरीके से, और साथ साथ हमारे फंदे जो हैं बंद होते जाएंगे। बस पहले तो हमने इनको दोनों को क्लोज रखना है दोनों को, ताकि अगर दूर दूर होंगे तो हमारा फंदा एक फंदा नीडल में से गिर जाएगा। ऐसे करके ये काम थोड़ा धीरे धीरे होता है क्योंकि ब्रिकी का काम है। अगर एक भी फंदा नीचे गिर गया तो काफ़ी काम बढ़ जाएगा, वापस सारे फंदे उठाने पड़ेंगे। तो एक बार जो फंदा निकल जाता है ना तो काफ़ी नीचे निकल जाता है, दो तीन लूप नीचे चला जाता है एकदम से, तो इसीलिए ये थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ता है। तो इस तरीके से जैसे मैंने चार फंदे देखिए बंद कर दिए, चार फंदे बंद कर दिए हैं ना। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ पीछे क्या जो इसका सीन है ना, ये देखिए, ये देखिए चैन बन रही है। इस तरीके से हमने सारे फंदे बंद करते जाना है और सेम तरीके से हमने दूसरी साइड को भी, जैसे मैंने बोला ना जब ये 26 फंदे हमारे बाइंड हो जाएंगे तो हमने नीडल एक एक्स्ट्रा लेनी है। उस नीडल में से हमने बैक पैनल का जो होगा हमारे फंदे उस पर ट्रांसफ़र कर लेने हैं। ट्रांसफ़र कर लेने के बाद हमने दूसरी साइड को भी हमने इसी तरह जॉइंट कर लेना है। इजी है, बस थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ता है। चाहे कोई भी हो, बिगनर हो, ट्रेंड हो, तो कोई काम ऐसा होता है जो धीरे धीरे ही हमें करना पड़ता है। ऐसे करके ये देखिए मैं इजीली करती जा रही हूँ, इतना नहीं हो रहा कि कोई मुश्किल काम है। बस दोनों नीडल में से हमने एक एक फंदा लेना है और उनको हमने जॉइंट करते जाना है। बस दोनों पल्ले हमने इसी तरीके से ना जोड़ लेने हैं। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हो रहा है काम। तो इसी तरीके से मैं दोनों साइड को अटैच कर लेती हूँ। उसके बाद हम फंदे उठाना शुरू करेंगे और काउंट भी करेंगे कि बैक पैनल में हमारे फंदे कितने हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, कम करने पड़ेंगे या बढ़ाना पड़ेगा उनको। तो सारा प्रोसेस रिपीट करूँगी मैं। तो पहले इन दोनों साइड को जोड़ लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ना मैंने शोल्डर जो है जॉइंट कर लिए हैं और हमारा जो है इतने फंदे हैं मेरे वो बचे हैं, वो मैं एक बार काउंट कर लेती हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38 और 40 40 फंदे हैं मेरे पास। अगर हम नंबर के हिसाब से देखें तो ये फंदे ज़्यादा हैं, लेकिन मैं वूल के हिसाब से रखूँगी क्योंकि मेरी वूल बहुत बारीक है। तो मैं ये सफिशेंट है, इनफ है ये मेरे लिए। मैं इनको ना कम करूँगी ना ज़्यादा करूँगी, लेकिन हो सकता है जब हम जहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे तो जो जॉइंट है उनमें से हम फंदे उठाते हैं ताकि हमारा गैप ना आए, तो वो दो फंदे उठते हैं हमेशा जो शोल्डर में से जहाँ जॉइंट आता है, तो एक फंदा मैं इसमें इंक्लूड कर दूँगी, इधर से एक इस साइड से इंक्लूड कर दूँगी बैक साइड में, तो हमारे 42 स्टिचेस हो जाएंगे। और अब हम यहाँ से फंदे उठाना शुरू करते हैं। फंदे उठाने के लिए हमने ना वूल ले लेनी है
और आपने ना जो गला बनाना है, गले को आपने, अगर आपके पास ऐसे सर्कुलर नीडल है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप ना गला बनाने वाली नीडल से ही बनाइएगा तो उससे अच्छा बनता है। और 11 नंबर की नीडल लीजिएगा। अब देखिए हमने क्या करना है, एक दो, मैं क्लोज करके दिखाती हूँ आपको, अगर आपको अच्छे से नज़र आ रहा हो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात स्टिच छोड़ के ना हमने आठवें स्टिच में से हमने फंदे उठाना शुरू करना है। दूसरी साइड लगाते हैं, वो ज़्यादा शॉर्प है। तो देखिए इस तरीके से ना हमने छोड़ दिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात छोड़े हैं। तो इस तरीके से हमने धागा ज्वाइंट करना है और फंदे बनाना शुरू कर देने हैं। एक बनाया ना, तो अब जो लंबा धागा है उसको थोड़ा टाइट करेंगे, छोटा धागा इतना छोड़ेंगे हम पीछे। वो क्यों छोड़ेंगे, जैसे जैसे हर स्टिच में से हमने ना फंदा उठाना है, इसको मैं साथ में दबाती चलूँगी। अगर दबाते जाऊंगी ना तो नोट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और फिनिशिंग भी बनी रहती है। तो इससे ये हो गया हमारा दूसरा फंदा। अब हम तीसरे फंदे में से फंदा उठाएंगे और इसको ऐसे हमने लपेट लेना साथ में, तीन हो गए। फिर से ऐसे लपेट लेंगे, इससे पीछे जो फिनिशिंग बनी रहती है और बाइंड भी अच्छा हो जाता है। अगर हम नोट देते हैं वो धागा लटकता रहता है, नोट नज़र आती रहती है तो वो अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से देखिए हर स्टिच में से हम फंदा उठाएंगे और साथ साथ पिछला धागा भी दबाते जाएंगे ऐसे करके। इस तरीके से ना मैंने यहाँ पर 47 स्टिचेस उठाने हैं। 40 फंदे मेरे पास पीछे हैं, कम से कम हमारे पास 7-8 फंदे एक्स्ट्रा आगे होने चाहिए। इतने होंगे तभी हमारा जो गला है अच्छी शेप में आएगा, क्योंकि पीछे जो बैक पैनल होता है ना उसमें फंदे कम होते हैं और दोनों पैनल जो फ्रंट वाले होते हैं ना उनमें थोड़ा फंदे ज़्यादा होते हैं। इतने नहीं ज़्यादा होते, बस थोड़ा 8-10 फंदों का फ़र्क होता है, वो भी वूल के अकॉर्डिंग ही होता है। तो हमने ना 47 इसमें है, तो मैं 40 बैक पैनल में है ना, तो मैं 47 इसमें उठाऊंगी। तो इस तरीके से ना हमने फंदे उठाते जाना है, 47 इसमें से उठाएंगे पैनल में से, 47 ही इस साइड में से हम उठाएंगे, उस साइड से आएंगे। जब हम यहाँ पर जाएंगे ना, ये वाले फंदे भी इस सर्कुलर नीडल पर ही हम ले लेंगे, ऐसे करना है हमने। तो ऐसे करते हुए ना हमने फंदे उठाते जाना है, काउंट मैं बाद में कर लूँगी। तो इस तरीके से ना मैं उठा लेती हूँ पहले फंदे दोनों साइड, और फिर आपको दिखाती हूँ कि मेरे फंदे कितने हुए हैं, कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं। पहली बात तो ये है कि मैं पूरे ही रखूँगी, चाहे मुझे खोलकर दोबारा से उठाने पड़े तो मैं फंदे ज़्यादा नहीं करूँगी, अदरवाइज़ हमारा गला जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो चलिए मैं इतना कर लेती हूँ, फिर वापस आती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने फंदे उठाए। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने ना तीन साइड में ही फंदे उठा लिए हैं। ये देखिए गला जैसे गोल बन रहा है ना सर्कुलर नीडल में ऐसे आगे, और यहाँ पर मैंने चार फंदे उठाए हैं शोल्डर में, दोनों साइड मैंने दो दो फंदे उठाए हैं, अदरवाइज यहाँ पर गैप आ रहा था तो उस गैप को कम करने के लिए मैंने दो दो फंदे लिए हैं। दो फंदे पर मैंने दो बैक साइड में इंक्लूड कर दिए, दो मैंने फ्रंट साइड में इंक्लूड कर लिए। इसी तरीके से ये देखिए कहीं भी मैंने गैप नहीं आने दिए, चार फंदे मैंने इस साइड उठाए हैं। और एक बात, अब बैक साइड में मेरे ना 44 फंदे हो गए, 40 थे पहले, मेरे दो दो फंदे और इंक्लूड किए तो 44 फंदे मेरे हो गए। और फ्रंट साइड में मेरे 48 फंदे एक साइड हैं, 48 फंदे इस साइड हैं, 48 फंदे इस साइड हैं। अगर हम इनका टोटल करें तो टोटल करके इनका मेरा प्लस बन जाता है 160 फंदे बन जाते हैं। अब 160 फंदों को हम बुनना शुरू करेंगे
और इन्हीं पर हम अपना गला बनाना शुरू करेंगे। और जो बुनेंगे, जो हमने ये वाला बॉर्डर अप्लाई किया है बटन स्ट्रिप पर और नीचे बॉर्डर पर, इसी से हम बनाएंगे। उल्टा सीधा नहीं मैं बनाऊंगी, ये वाला पैटर्न ही मैं अप्लाई करूंगी। तो ऐसे करके धागा ले लेंगे, पहले हम ऐसे, ये इस साइड धागा है तो यहीं पर ले लेते हैं। बहुत इजी पैटर्न है, मैंने पहले अपलोड कर रखा है, पहले पार्ट में ही मैंने इसको अपलोड किया है। तो अगर आपको नहीं आता तो आप बॉर्डर वाला जो पार्ट है वो देखिए, उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा। एक उल्टा है, एक सीधा है, बहुत इजी पैटर्न है। तो इस तरीके से ना हमने कम से कम, मैं एक इंच या सवा इंच के करीब इतना बनाऊंगी। और दूसरी बात मैं आपको दिखा दूं, एक और बात, ये देखिए जो मेरा है ना, ये दोनों साइड मेरे इक्वली हैं, ये दोनों पर मैंने इक्वली फंदे छोड़े हैं, दोनों पर सात सात फंदे छोड़े हैं, कम नहीं किए मैंने, सात सात फंदों के बाद ही मैंने फंदे उठाए हैं। और सात फंदे यहाँ पर बच रहे थे तो मैंने फंदे पूरे आ गए, तो पहले मेरे दो फंदे बढ़ रहे थे उनको मैंने कम किया तो ज़्यादा हो रहे थे। तो इस तरीके से मैं ना इंच सवा इंच के करीब अपना गला बना के रेडी कर लूँगी, उसके बाद हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। तो वो मैं बता दूँगी आपको, अभी इतना बनाने के बाद बताती हूँ कि मैंने बाइंडिंग कैसे करनी है, क्योंकि पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है तो इसकी बाइंडिंग भी डिफरेंट टाइप से ही हम करने वाले हैं। तो चलिए मैं इतना पूरा करके आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से ना मैंने यहाँ पर गला बना के रेडी कर लिया है, और जो गला बनाया है मैंने उसकी मैं आपको मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ, मैंने कितने इंच बनाया है। पूरा एक इंच बनाया है मैंने, एक इंच में बहुत अच्छा बन गया है, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, अदरवाइज़ इसमें झोल आना शुरू हो जाता है, ज़्यादा लंबा बनाते हैं तो इसकी वजह से ही मैंने इतना एक इंच बनाया। और एक इंच बहुत है, छोटा नहीं है, एक इंच का गला ही होना चाहिए। तो अब हमने ना इनको बाइंड ऑफ करना है, इन फंदों को बाइंड ऑफ करना है। बाइंड ऑफ हम नीडल से ही करेंगे, सुई से नहीं करेंगे, सिलाइयों से ही करेंगे। तो पहले दो फंदे लेंगे और दो फंदों को इकट्ठा बुन देंगे। दो फंदे इकट्ठा बुने, एक फंदा हो गया, एक फंदे को वापस उसी नीडल में लेंगे और फिर से दो फंदों का एक फंदा बना देंगे, ऐसे। फिर से एक फंदा बन गया, उसको वापस उसी नीडल पर लेंगे और फिर से दो फंदे इकट्ठा बुनेंगे, दो फंदों का एक फंदा बना देंगे, ऐसे करके इस फंदे को वापस उसी नीडल पर लेंगे। बस सेम प्रोसेस हमने रिपीट करते जाना है। और जितने भी फंदे होंगे हमारे गले के, उन फंदों को हमने ऐसे ही बाइंड ऑफ करना है। जैसे कि मेरे पास 160 फंदे हैं तो इन सबको मैं ऐसे ही बंद करूँगी, और थोड़ा ना टाइट हाथ से ही करेंगे, लूज हाथ से नहीं करेंगे। अगर हम लूज हाथ से करेंगे ना तो इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ऐसा करते हुए हमने सारे फंदे बंद कर लेने हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमारी जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ चैन बनती जाएगी। तो चलिए मैं पहले सारे फंदे बंद कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना है ये। तो इस तरीके से मैंने पूरे गले की जो बाइंडिंग है वो कर ली है, बहुत फिनिशिंग के साथ, और हमारा गला बनकर रेडी हो चुका है, बहुत बढ़िया शेप में आया है। अगर हम यहाँ पर प्रॉपर बनाएंगे और इसको सेट करके रखेंगे ना, प्रॉपर शेप में आ जाएगा, तो बहुत अच्छी शेप में आया है। अगर आपको इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका भी अच्छे तरीके से शेप में ही आएगा गला।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहिए ऐसे ही नए नए प्रोजेक्ट देखने के लिए, नए नए वीडियोज़ देखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।